दोस्तों, गर्मियों के मौसम में लोगों को बहुत ज़्यादा पसीना आता है। पसीना आने के कारण उन्हें कई स्किन इन्फेक्शन से जूझना पड़ता है। बहुत लोगों की जांघें लग जाती हैं, बहुत लोगों को दाने होने लगते हैं, या फिर बहुत लोगों को खुजली होने लगती है, या कई लोगों में घमौरियों की प्रॉब्लम देखी जाती है। इन प्रॉब्लम से बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो परेशानी करने वाली बात होती है वो होती है घमौरियों वाली, क्योंकि ये जल्दी ठीक नहीं होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बहुत लोग मार्केट जाते हैं, कुछ डर्मिकुल पाउडर ले आए, कुछ नवरत्न पाउडर ले आए, तो कुछ नाइसिल पाउडर ले आए, लेकिन उससे भी ठीक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अगर किसी बच्चे को हुआ है तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, साथ साथ उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आज मैं आप लोगों को इसका एक ज़बरदस्त ट्रीटमेंट बताऊंगा, जो कि आप 1 से 2 दिन अगर कर लेते हो तो आपकी जो ये प्रॉब्लम है पूरी तरीके से जड़ से ठीक हो जाती है। तो इन दवाओं के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे कि कौन कौन सी दवाई इसमें यूज़ होगी, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन दवाओं को कैसे लेना होता है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो कर लो लाइक, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल ज़रूर कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ मेडिसिन से रिलेटेड, तो वो आप तक नोटिफिकेशन के द्वारा जल्द पहुँच जाए। तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पसीने से होने वाले स्किन इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए हमें 2 दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। इन 2 दवाओं में से जो पहली दवा है उसका नाम है माइकोड्रम पाउडर। माइकोड्रम पाउडर 150 ग्राम की पैकिंग में आता है, और इस 150 ग्राम की पैकिंग का जो प्राइस है वो है 127 रुपये, यानी 127 रुपीज़ ओनली। कंपनी से बनाती है FDC लिमिटेड, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है, इसमें होता है सैलिसिलिक एसिड 3%, इसमें होता है बेंजोइक एसिड 6%। इसके जो है आपको एक बोतल लेके आनी है, और इस दवा को आप नोट डाउन जरूर कर लें। अब जो दूसरी दवा इसमें इस्तेमाल होगी उस दवा का नाम है सेटसिप टैबलेट। सेटसिप टैबलेट एक स्ट्रिप की पैकिंग में आता है, और इस एक स्ट्रिप का जो प्राइस है वो है 20 रुपीज़ ओनली। कंपनी जो इसे बनाती है वो बनाती है सिप्ला लिमिटेड, और कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है सेट्रीजिन 10 mg। ये जो दवा है आपको एक स्ट्रिप लेके आनी है, इसे भी आप नोट डाउन जरूर कर लें। ये दोनों दवा आपको मेडिकल स्टोर से लेके आना है। अब मैं आपको बताता हूँ इसे लेना कैसे होता है। दोस्तों, लेने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका कोई सवाल है मुझसे, जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप इस कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हो और मुझे सेंड कर सकते हो। हो सकता है रिप्लाई करने में देरी हो जाए, लेकिन मैं जवाब ज़रूर दूंगा। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ कि लेना कैसे होता है। सेट्रिजिन टैबलेट जो है आपको एक टैबलेट रात को सोने से पहले लेनी है, जब भी आप सोने जाओ तभी आप इसकी एक टैबलेट लो। और अगर आपको दिक्कत बहुत ज़्यादा है तो आपको ये एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद लेना है। इस तरीके से आपको यूज़ करना है। अगर आप बच्चों को ये सेट्रिजिन टैबलेट देना चाहते हो, जिन बच्चों की उम्र 4 साल से 12 साल के बीच है, उन बच्चों को आप ये आधी टैबलेट रात को सोने से पहले दे सकते हो। और अगर बच्चे को भी दिक्कत ज़्यादा है तो उन बच्चों को भी आप आधी टैबलेट सुबह, आधी टैबलेट रात में खाना खाने के बाद दे सकते हो। पाउडर कैसे लगाना है? ये पाउडर आपको जहाँ भी स्किन इन्फेक्शन हुआ है, जैसे कि किसी को घमौरियाँ हो गई हैं, या फिर जांघें लग रही हैं, या फिर प्राइवेट पार्ट के आसपास दाने हो गए हैं, या पीठ पे दाने हो गए हैं, या फिर खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, तो जहाँ भी आपको ये प्रॉब्लम है वहाँ आप इसे अप्लाई करिए दिन में 2 बार, सुबह और शाम को। मैं आपको बता रहा हूँ 1 से 2 दिन में आपकी घमौरियाँ और ये जांग लगने की प्रॉब्लम या फिर किसी प्रकार के दाने वो ठीक हो जाएंगे। और बच्चों में भी ऐसे ही लगाना है सुबह शाम के हिसाब से। अगर आप उनसे कम उम्र के बच्चों को लगाना चाहते हो तो ये माइकोड्रम पाउडर उनके बॉडी पे लगा सकते हो, इससे बच्चे भी ठीक हो जाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो में एक नई दवाई के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। गुड बाय।